साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों में चरला गांव में हूँ और ये सामने देख लो भाइयों, कबूटा का है A211N जो कि ट्रेंच विधि से गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बिक रहा है। तो सामने से जो हमारे किसान भाई है अब कहीं लेकर आए हैं, पिछले साल इन्होंने ट्रेंच के गन्ने की शुरुआत करी, तो मैं किसान भाई से पूरी जानकारी लूँगा ट्रैक्टर के बारे में। और इन्होंने नया स्प्रे टैंक बनवाया है इसका ट्रैक्टर का, तो मैं मिलवाता हूँ उन पर। हाँ जी भैया, क्या हाल है जी? नमस्कार जी राहुल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी भैया। तो थोड़ा सा तो भैया अपना पहले परिचय दो आप। मेरा नाम रामलखन है जी, जी गांव चढ़ला है अच्छा जी, और हम पिछले साल से ट्रंच की विधि कर रहे हैं। अच्छा, तो ट्रैक्टर कब लिया जी आपने? ट्रैक्टर ये हमें 3 महीने हो गए ही लिए हुए, 3 महीने मार्च में लिया था। अच्छा, भाइयों कबूटा का A211N जो है ये सामने नेम प्लेट पर भी देख लो आप, 4x4 में ट्रंच के गन्ने के लिए सबसे अच्छा ट्रैक्टर चल रहा। तो ये टैंक किस लिए लगवाया है आगे? ये टैंक जी हमने इसीलिए लगाया, देखो इसका वेट जो है अभी जी, जो हमने स्प्रे मशीन लगवाई है पीछे, हाँ जी हाँ ये जी 200 लीटर की है जी, तो ये झोंक मारती है, इसे भरने की वजह से फिर ये झोंक मारता है और आगे से उठता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने ये 100 लीटर का टैंक इसमें आगे लगवाया है, जी पानी की कमी पड़ती है तो इसमें से पानी ले लेते हैं हम। अच्छा, तो पाइप चला जाता है पीछे जी, वो इसी में से पानी खींच लेता है ये। ठीक, और इससे ये उठता भी नहीं है हाँ वेट का भी काम कर रहा है और अपना वैसे भी पानी भी हो जा, दोनों काम कर रहा है जी। तो भैया कतेक का पड़ा जी आपको ये ट्रैक्टर जी? हाँ जी ट्रैक्टर तो ये 4,25,000 रुपये का पड़ा है जी। 4,25,000? हाँ जी। तो जैसे चला रहे जी मजा आ रहा होगा छोटे में तो? हाँ जी, चलाने में देखो ट्रंच में तो है इससे बेस्ट नहीं है कोई भी। हाँ जी हाँ जी, एक तो 4x4 है जी बिल्कुल, सादे ट्रैक्टर भी बहुत बिक रहे हैं मार्केट में लेकिन ट्रंच में कामयाब नहीं है। हाँ जी, मैं अभी 3 दिन पहले ही ट्रंच में इसी मिट्टी लगाई है गन्ने को, अच्छा, इसी बहुत में अच्छी मिट्टी से डाई है, लोड बिल्कुल भी नहीं मानना, डीजल का भी सही एवरेज है? डीजल का बहुत अच्छा एवरेज है, 1.6 समथिंग इतना ही है ये। हाँ जी हाँ जी, तो भाइयों अभी जो है मैं थोड़ा सा ट्रैक्टर को दिखा दूँ आपको, इसमें मीडियम भी है जी? हाँ जी, लो हाई मीडियम? लो के 3 है जी, अच्छा, एक हाई है फिर मीडियम है फिर लो है जी। अच्छा, ये बैक में भी वही काम करेंगे? हाँ जी हाँ जी, ठीक। तो भाइयों अभी ट्रैक्टर के बारे में बात होगी, अब स्प्रे मशीन के बारे में बात करते हैं। तो भैया ये कहाँ बनवाया जी टैंक आपने? ये हमने जी मवाना में बनवाई है, पंजाब एग्रो वालों की दुकान है सरदार जी के यहाँ। अच्छा, सरदार जी है, मवाना में काफी मशहूर है सभी जानते हैं जी, उनके यहाँ पे ये टैंक बनवाया जी। अच्छा, ये अपने आप स्प्रे करेगा जी ये? हाँ जी, अपने आप स्प्रे करता है भाइयों, देख लो ऊपर नोजिल। और इन्हें आप, आज का टाइम ऐसा है आदमियों की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, मिलते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी से हाँ, तो अकेला आदमी कर लो ट्रंच, आदमी चाहे 10 बीघे में करा लो आप चाहे 20 बीघे में कर लो। अच्छा, तो ये पाइप भी बिल्कुल इसमें ऊपर तक दे रखा होगा ना? हाँ जी, आप इसे 2 फुट से लेके आप 10 फुट का गन्ना भेजा उसमें भी कर सकते हो। अच्छा, तो भैया पाइप ये हाइट और भी हो जाती है, बढ़ जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, इतने आप गन्ना जितना आपका ऊंचा हो जाता है उतने आप इतने लंबे। हाँ फोल्डिंग पाइप है। हाँ जी, तो इसमें दे रखे नोजिल, दो दो नोजिल इनमें होगी जी? दो नोजिल उस तरफ है, दो नोजिल इस तरफ है, एक एक नोजिल साइड में है जी, इधर भी है और उधर भी है। अच्छा, नीचे भी छोटे गन्ने के लिए? हाँ जी, ठीक, छोटे गन्ने में जैसा नीचे कोरोजन वगैरह करनी है ना जी? हाँ जी, जैसे छोटे गन्ने में करनी है, ये वाले नोजिल इधर को खोल गए जी जी, ये चल जाते हैं। अच्छा, ये अपना है, ये पाइप वाला सिस्टम है? पाइप वाला सिस्टम। कितना पाइप दिया जी उन्होंने? ये इसमें 100 मीटर पाइप है। अच्छा, 100 मीटर पाइप है, चाहे वैसे भी कर लो। ये चारों वाल हो गए जी? ये 4 वाल। हाँ जी, तो भाइयों अभी कार्य दिखाया जाएगा इस स्प्रे टैंक का, देखो ऊपर से गन्ने पे किस तरीके से स्प्रे करेंगे ये। इसमें जो है मूंग की फसल है, देख लो सह फसल में, वाह वाह वाह, तो भाइयों आज ही गन्ने पे स्प्रे कर रहे हैं। तो भैया कितने एक का बन गया था जी? अच्छा, ठीक, अभी भाइयों रेट है जी। ये देखे भाइयों, किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी चाहिए, थोड़ी सी सिद्धि करनी पड़ेगी। थोड़ी सी हाई कर लो, ज्यादा मंदा चल रहा। मीडियम में घेर लो। नहीं नहीं, थोड़ा तीर से रहन दो भैया, वही मारेगा बिल्कुल दोबारा, और ज्यादा होगा। हाँ ढीला हो रहा थोड़ा सा।
ये देख लो भाइयों, स्प्रे के टैंक का कार्य देख लो, बहुत बढ़िया। अकेला आदमी ट्रैक्टर चलाने वाला सीयर कितने में ही कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। और फोल्डिंग पाइप लगे हुए हैं, कितने बड़े गन्ने पे आप इससे स्प्रे कर सकते हो। ये देख लो भाइयों, गजब का काम। तो भैया कितने का बताया, रेट का पता चला कुछ? भैया ये हमें 40,000 रुपये में बनवाई है जी। अच्छा, 40,000 रुपये में बनी जी, बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों देख लो आप कितना अच्छा काम स्प्रे टैंक के द्वारा हो रहा, छोटे ट्रैक्टर के द्वारा, और बिल्कुल तर करते हुए जा रहे हैं बिल्कुल। कितने से छोटे पे कर लो, बड़ा जितना? हाँ, बड़े से बड़े पे कर लो, बिल्कुल बिल्कुल। और कोरोजन की ट्रेंचिंग वगैरह करनी तो उसके लिए भी कर लो। और पाइप लपेटने के लिए भी पेंडल लग रहा है ना इसमें? हाँ जी। पानी भरने के लिए भी बिल्कुल फुल फैसिलिटी दी सरदार जी ने। तो भाइयों देख लो, 40,000 बताए ना जी, 40,000 रुपये में मवाना सरदार जी की दुकान है, पंजाब एग्रो के नाम से फेमस दुकान है। जिस भाई को बनवाना हो वहाँ से बनवा सकते हैं। बस जी बस।